ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। सो चेज द स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैव इक्वल वेट एंड द सोर्सेस इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू द स्लिट्स। द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल फ्रिंज इज आई नॉट। इफ वन ऑफ द स्लिट्स इज क्लोज द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी। ओके सो बेसिकली आपके पास एक YDSE का सेटअप है। YDSE का सेटअप कुछ इस तरह से होता है, राइट? आपके पास दो स्लिट्स होती हैं एंड यहाँ पे सिमेट्रिकली आपके पास एक सोर्स रखा हुआ है। नाउ इस सोर्स से ये जो स्लिट्स हैं यहाँ पे सेकेंडरी सोर्सेस बनेंगे, लेट्स से S1 एंड S2। एंड ये जो दो सोर्सेस बनेंगे ये कोहेरेंट होंगे बिकॉज ये सिंगल सोर्स से जनरेट हुए हैं। सो अगर हम बात करते हैं S1 और S2 की इंटेंसिटी की, सो जो इंटेंसिटी होती है ना सोर्स की, वो डिपेंड करती है स्लिट्स की थिकनेस पे, स्लिट्स की विड्थ पे। बिकॉज जो विड्थ है दोनों स्लिट्स की वो सेम है, इट मींस ये जो दो सोर्सेस बनेंगे इनकी इंटेंसिटी भी सेम होगी, लेट्स से I1 एंड I1, राइट? नाउ यहाँ पे एक स्क्रीन रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे? कैपिटल डी डिस्टेंस पे। सो अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात करते हैं, ये जो स्क्रीन है इसका जो सेंटर है वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। सो यू कैन सी कि वहां पे जो इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ I1। ऐसा क्यों होता है? आप देखो, एक वेव ऐसे आएगी S1 से, एक वेव आएगी S2 से, समथिंग लाइक दिस। सो इस पॉइंट पे, सेंट्रल मैक्सिमा के पॉइंट पे, बेसिकली स्क्रीन के सेंटर पे जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा? 0, राइट? दोनों वेव्स इक्वल पाथ ट्रेवल करके उस पॉइंट पे पहुंचेंगी। सो दैट्स वाई पाथ डिफरेंस हो गया 0। इट मीन्स जो फेज डिफरेंस है वो भी 0 हो जाएगा। नाउ फेज डिफरेंस 0 हो गया, देन इंटेंसिटी, इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है दैट इज बेसिकली 4I1 cos² 5/2, राइट? ये होता है इंटरफेरेंस जब होता है दो वेव्स का जिनकी इंटेंसिटी सेम हो। सो जो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है वो है 4I1 cos² 5/2। फाई क्या है? फेस डिफरेंस। सो बिकॉज फाई की वैल्यू 0 है, सो फाई की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो cos² 0 कितना हो जाएगा? 1। सो 4 टाइम्स ऑफ I1 हो जाती है। अगर दो वेव्स जिनकी इंटेंसिटी सेम है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, देन उस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो 4 टाइम्स हो जाती है किसकी इंटेंसिटी के, जो इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटी उसके 4 टाइम्स हो जाती है। नाउ अगर मैं एक स्लेट को बंद कर देता हूँ, लेट से S1 को मैंने बंद कर दिया, देन आप देखो जो वेव आएगी वो सिर्फ S2 से आएगी जिसकी इंटेंसिटी कितनी है? I1। सो अभी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई सुपरपोजिशन नहीं होगा। सो सेंटर पे जो इंटेंसिटी मिलेगी वो सिर्फ S2 के कारण मिलेगी जो कि इंटेंसिटी I1। सो अभी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I1। पहले कितनी थी? पहले थी, जब दोनों स्लेट सामने ओपन की थी उस टाइम पे इंटेंसिटी थी 4I1। अभी जब एक स्लेट को आपने बंद कर दिया तब इंटेंसिटी कितनी हो गई? I1। इट मीन्स 1/4 हो जाएगी। सो बेसिकली क्वेश्चन में दिया है कि जब दोनों स्लेट्स थी तब इंटेंसिटी थी I0। सो एक स्लेट को बंद करने पे इंटेंसिटी 1/4 हो जाती है। सो फाइनल इंटेंसिटी विल बी I0/4। सो यू कैन सी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई थिंक यू गॉट इट। कीप वर्किंग हार्ड। बेस्ट ऑफ लक बाय।